हुण चोना नूं देख के भावे बिल वापस ले लिया, लेकिन भाजपा के खेतीबाड़ी मंत्री ने आप कहता कि कुछ कारण करके सानू वापस लेना पिया, लेकिन होर तगड़े होके असीं बिल नूं फिर लागू करांगे। सो जंग तां जे जारी है, ते मैं समझदी हां कि भावे किसान यूनियन होए एरा समझन कि जंग मुक गई है, जंग अजे जारी हैगी। या चन्नी सरकार दे भी हुण पिछले 100 दिनों तो कदे कहंदे ने कि गरीबां नूं प्लॉट दे दित्ते, कदे कहंदे मुलाजम पक्के करते, कदे फसलों का मुआवजा देता, लेकिन पूरा पंजाब में फिर रहा ना एक कोई गरीब जिन्हों प्लॉट मिले, मकान मिले है, ना कोई मुलाजिम जरा पक्का होया है। हाँ, डांगा जरूर खाते ने, कल भी देखा। विरोधियों के खिलाफ रंजिशा कड़न वास्ते, झूठे पर्चे वास्ते तो डीजीपी नित नवे बदले जा रहे हैं, अफसर बदले जा रहे हैं, कदे चाहे डॉन ब्लास्ट हो रहा है या बेअदबियां हो रही, कदे उस वाल भी ध्यान दे। बहुत वधिया कि तुसीं विक्रम दे मगर झूठे परचे कर रहे हो, सारे वोटरां दे मगर कीता, सानू परवाह नहीं, लेकिन जेहड़े तुहाडे नक्क थले दरबार साहब दा हादसा साडे एसजीपीसी मेंबरां ने रोक लिया, उस बंदे नूं तुसीं जिहदी फोटो हैगी जां सारा वीडियो कैम च रिकॉर्डेड हैगा, उस चीज दा तह तक तां तुसीं 3 हफ्तिआं च पहुंच नहीं सके, एक अफसर तक नूं डिसमिस नहीं कीता। सब तो पहला हल्के खेमकरण की सारी बीबिया का तय दिलों धन्यवाद कर दिया, इन्ना वड्डा कट बीबिया का मैनू लगता मैं सारे पंजाब च नहीं देखिया, तो ये इस गल का गवाह है कि हवा का रुख किस पासे हैगा, जिहड़ी इन्नी वड्डी गिनती च किन्ने घंटे बैठिया हुई हैं, तो इन्नी डिसिपलिन दे नाल, ते मैं समझदी हाँ कि बीबिया जिथे खड़ जांदियां ने फिर वो समाज की परिवार की वह रीढ़ की हड्डी है, जिहड़े हवा का रुख भी बदल सकदियां ने। अज मैनू लगता है बीबिया होन या बंदे होन, नौजवान होन, सारे अपने आप नूं इस कांग्रेस सरकार तो ठगिया होया महसूस कर रहे हैं, भावें कैप्टन दी झूठे लारे वादे सौह से गया या चन्नी सरकार दे भी होन पिछले 100 दिनों तो कदे कहंदे ने कि गरीबां नूं प्लॉट दे दित्ते, कदे कहंदे मुलाजम पक्के करते, कदे फसलों का मुआवजा देता, लेकिन पूरा पंजाब में फिर रहा ना एक कोई गरीब जिन्हों प्लॉट मिले, मकान मिले है, ना कोई मुलाजम जरा पक्का होया है। हाँ, डांगा जरूर खाते ने, कल भी देखिया कि सिद्धू साहब के घर के बाहर जे अपना हक मंग रही सी उन्होंने उत्ते कि लखीमपुर खेड़ी की तरह उन्हें गड्डिया चाढ़तियां, हस्पताल के बेचारे मुलाजिम होना पाया, या फिर मुआवजा हैगा। हर पक्षों जन्नी का झूठ, कैप्टन का झूठ, कांग्रेस का झूठ हैगा, ते इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है, और कांग्रेस ते भाजपा ने रल मिल के नवी चालां चल दियां हैगियां, नवी पार्टियां नूं खड़े करना हैगा इको निशाने दे नाल, कि श्रोमणी अकाली दल खेतरी पार्टी पंजाब ते पंजाबियां दी बोली बोलन वाले, उहनां दे हक्कां दी लड़ाई लड़न वाले, इहनूं कदे वी कमजोर करिए। मैं लोगों नूं तुहाडे राही अपील करदी हां, खास तौर ते बीबियां नूं मैं अपील करदी हां कि जे अपनी खेतरी पार्टी बुलंद हैगी, 100 साल पुरानी पार्टी, लोगों की कुर्बानी दे नाल बनी हुई पार्टी, अज ये पार्टी जे तकड़ी हैगी तां पंजाब तकड़ा हैगा। देशा विदेशा च बैठे हुए अपने भैन भरावां नूं भी मैं कहती हाँ, अज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के उत्ते पहली बारी भाजपा का प्रधान, भाजपा पार्टी का प्रधान का कब्जा करन दी कोशिश की जा रही है, तो फिर साडा अकाल तख्त साहिब दा साडा पंजाब कितना मजबूत, वड्डी गिनती दे नाल जे तुसीं श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी नूं कामयाब करोगे तां ही इहनां सारी ताकतां दा असीं मुकाबला कर सकांगे, नहीं तां इहनां ने रल मिल के या पंजाब च राष्ट्रपति राज ला देना, या फिर जिवें कांग्रेस दे उत्ते हुण इहनूं ला दो ते इहनूं बिठा दो ते 5 साल पंजाब पिसूगा जदे इहनां दी कुर्सी ते लड़ाई चलूगी। विक्रम जी मजीठिया जी एफआईआर दर्ज कीती कि ईडी दे दबाव करके कई मंत्री या कई होर जिहड़े नेता ने बीजेपी च शामिल हो सकदे। मैं तां उहनां लोकां ते हैरान हाँ कि जिन्हां ने जिन्हां करके इन्ना वड्डा किसानी अंदोलन खड़ा होया, 2 साल साढ़े लोगों का की हाल होया, सजे पंजाब के आर्थिक हालात की होए, किसान मजदूर हर वर्ग का कितना नुकसान होया, ते हुण चोना नूं देख के भावें बिल वापस ले लिया, लेकिन भाजपा के खेतीबाड़ी मंत्री ने आप कहता कि कुछ कारण करके सानू वापस लेना पिया, लेकिन होर तकड़े होके असी बिल नूं फिर लागू करांगे। सो जंग तां जे जारी है, लेकिन साढ़े ही वो लोग उस पार्टी के गड्डी च चढ़ी जा रहे हैं, ते मैं समझदी हाँ कि भावें किसान यूनियन होए एरा समझन कि जंग मुक गई है, जंग अजे जारी हैगी, अजे बहुत वड्डी चुनौतियां ते लड़ाइयां हैगियां, ते लोकां नूं एक इहो जी पार्टी नूं कामयाब करे, ना कि ये मौका प्रस्त लोग जिहड़े
ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਜ਼ਡ ਪਲਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਯਾਰਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਜਰਾਜ ਕਾਠਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚਾ ਕਾਠਲੀਆਂ ਚਲਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਕਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ लेकिन विरोधियों के खिलाफ रंजिशा कड़न वास्ते झूठे पर्चियां वास्ते डीजीपी नित नवे बदले जा रहे ने अफसर बदले जा रहे ने कदे चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है या बेअदबियां हो रही है कदे उस वाल भी ध्यान दे दो आम आदमी पार्टी गारंटियां दे रही है।